एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे टाइम एंड वर्क, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, क्लिक करके देख सकता है। आज हमारा क्वेश्चन है 31st, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है टाइम एंड वर्क का 31st क्वेश्चन। इसके स्टेटमेंट क्या है रीड करते हैं हम। A is thrice as fast as B, कि A है जो तीन गुना ज़्यादा फास्ट काम करता है B के कंपैरिजन में, and is therefore able to finish a work in 60 days less than B, मतलब जो A वाला पर्सन है उसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब क्या होगा इसका, वो काम को जल्दी कंप्लीट करेगा, मतलब कम डेज लगाएगा काम को कंप्लीट करने में। तो उन्होंने हमें दे क्या रखा है, is able to finish a work in 60 days less than B, find the time in which they do it working together। तो वो बोलता है अगर वो इकट्ठे काम करना स्टार्ट करते तो वो कितनी देर में काम को कंप्लीट करेंगे, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो वो क्या है, अब ध्यान से देखो, जो ए वाला पर्सन काम करता है, ए वाला पर्सन काम करता है तीन गुना तेजी से काम करता है जितना बी काम करता है। अब वो बोलता है कि जो ए काम करता है, जो ए काम करता है बी से जल्दी काम कर लेता है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 60 दे रखा है, उन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 60 दे रखा है। ध्यान से देखो, अब ये चीज तो गलत होगी ना, ये चीज तो गलत होगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि ए जो है कम टाइम ले रहा है बी से, ए जो है कम, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड ज्यादा है तो ए जो पर्सन है वो काम को जल्दी कंप्लीट करेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि b माइनस ए इक्वल टू 60, मेरे पास ये चीज राइट हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3b इक्वल टू 60। तो मेरे पास मेन मैंने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2b बराबर कितने मेरे पास 60 है, तो मेरे पास b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 60/2 इक्वल टू 30 डेज, 60/2 इक्वल टू 30 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो b पर्सन है उस काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है, b जो पर्सन है उस काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। तो मेरे पास a वाला पर्सन उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेगा, दैट इज इक्वल टू 3 × 30, मतलब 90। तो इसका क्या मतलब है कि a की स्पीड 90 है, b की स्पीड 30 है काम को करने की। उन्होंने फर्स्ट में बोल रखा था कि जो a इज थ्राइस एज फास्ट एज b, तो ये फास्ट आगे डेज नहीं है अभी तक, तो हमने डेज निकालने हैं इन दोनों की कंप्लीट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का प्लस, मेरे पास ऐसा बन गया। अब 90 × 30 डिवाइड बाय 9 + 3 = 12, तो 120 हो गया मेरे पास, जीरो से जीरो कट गई, 10 × 30 4 × 12, 2 × 4 5 × 10, तो मेरे पास कितना आ गया, 9 × 5 = 45 / 2, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, 22.5, मतलब ए पर्सन और बी पर्सन दोनों उस काम को मिलकर 22.5 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे पास 31st का आंसर आ गया सी ऑप्शन, दैट इज 22.5। ठीक है, हमने एक बात ध्यान रखनी है, हम इन दोनों से कोई मतलब नहीं, चाहे आप ये ले सकते हो चाहे आप ये ले सकते हो, बस दोनों का डिफरेंस की बात करनी है, कोई भी ले लो दोनों में से, कोई फर्क वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कहता है वो, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, कि जो ए है बी के दुगना काम करता है, and is therefore able to finish a work in 30 days less than b, जो a वाला person है 30 दिन
जल्दी काम कर लेता है बी से क्योंकि उसकी स्पीड फास्ट है। फाइंड द टाइम इन व्हिच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर, हमने वो वाला टाइम फाइंड करना है जब वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो 37 क्वेश्चन में हमने ये वाला फाइंड करना है। हां जी सेम क्वेश्चन है, क्या करना है, मैंने ए की स्पीड दे रखी है डबल ऑफ बी, उन दोनों का एज का डिफरेंस क्या है मेरे पास, उन दोनों में एज का डिफरेंस क्या है मेरे पास 30 डेज, तो मैं ए की वैल्यू यहां पुट कर दूं 2b, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया एक, तो बी क्या आ गया 30 डेज, अगर बी 30 डेज है तो मेरे पास ए कितना आ जाएगा 60 डेज, तो मेरे पास ए कितना आ जाएगा 60 डेज, तो मेरे पास आ गया कि ए काम करता है 60 दिनों में, बी काम करता है 30 दिनों में। उन्होंने पूछा है फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर, वो दोनों इकट्ठा मिलकर काम करें तो वो कितनी देर में काम को कंप्लीट करेंगे, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। हाँ जी फॉर्मूला क्या था, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय दोनों का सम कर दो, डिवाइड बाय दोनों का सम कर दो, ये क्या हो गया 60 गुना 30 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय 90, जीरो से मैंने जीरो काट दी, तीन एकम तीन तीन थी नौ, तीन एकम तीन तीन थी नौ, तीन एकम तीन 20 दिया 60, तो मेरे पास क्या आ गया 20 डेज, मेरे पास क्या आ गया 20 डेज, मतलब जो ए वाला पर्सन अकेला काम कर रहा था 60 दिनों में, ए वाला बी वाला पर्सन काम कर रहा था 30 दिनों में, अगर वो मिल जाए तो वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम कितनी देर में कंप्लीट करेंगे, दैट इज मेरे पास 20 डेज आ जाएगा, तो मेरा 32nd का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हां जी नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके पास 20 सेकंड्स है, ऐसे ही करना है। स्टेटमेंट क्या है इसकी हम पढ़ते हैं। 33rd क्वेश्चन, ए इज 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी, कि ए की जो स्पीड है 4 गुना ज्यादा है बी से, एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ वर्क इन 45 डेज लेस देन बी, कि जो ए वाला पर्सन है 45 दिन कम दिनों में काम करता है बी की कंपैरिजन में, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर, हमने फाइंड आउट करना है। जल्दी से सॉल्व करें, आपके पास 20 सेकंड्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डायग्राम हो गया, आई होप आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ए इज थ्राइस एज फास्ट एज बी एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश ए वर्क इन 40 डेज लेस देन बी, फाइंड द टाइम इन व्हिच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर, जल्दी से 34th क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जी आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th आप स्क्रीन पर ये रहा, ए कैन डू अ वर्क इन 9 डेज, ए काम करता है 9 दिनों में, इफ बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, अगर बी वाला पर्सन 50% ज्यादा एफिशिएंट है मतलब सही काम करता है ज्यादा काम करता है देन ए, देन फाइंड देन In how many days can B do the same work? तो हमने find करना है कि B same work कितने दिनों में complete करेगा, तो ये हमने find out करना है। हाँ जी, तो पहले हमने suppose कर लिया
कि ए काम करता है 100, मतलब ए वाले पर्सन की एफिशिएंसी काम करने की पॉसिबिलिटी 100 है, तो वो बोलता है बी की पॉसिबिलिटी 50% ज्यादा है, मतलब जो बी है 50% ज्यादा काम करता है, उसकी एफिशिएंसी ए वाले पर्सन से 50% ज्यादा है, तो मेरे पास क्या आ गया 100, तो पहले ए की थी तो मैंने क्या कर दिया 50% बढ़ा दिया, तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या 150। इसका मतलब ये है कि ए की एफिशिएंसी अगर 100 है, अगर ए की एफिशिएंसी अगर 100 है तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी 150 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 150 आ जाएगी। तो मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या कहती है कि अगर ए वाला पर्सन काम को 9 दिनों में कर रहा है तो बी वाला पर्सन कितनी देर में काम करेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, 100 ए की एफिशिएंसी डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी, मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बी का वर्क, जो बी काम करता है कितने दिनों में काम करता है वो मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, 0 से मैंने 0 काट दी, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 3 × 3 = 9, मेरे पास क्या आ गया 3 × 2 = 6, मतलब जो बी वाला पर्सन है उस काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ध्यान से देखना, मेरे पास बी काम को फास्ट करता है, इसलिए मैंने बोला है कि बी है 50% मोर एफिशिएंट देन ए है, तो वही तो निकला मेरे पास, ए काम कर रहा है 9 दिनों में, स्लो है, ऐसा कह सकते हैं हम, बी वाला पर्सन काम कर रहा है मेरे पास 6 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, स्टेटमेंट क्या है इसकी, ए कैन डू अवर इन 21 डेज, कि जो ए पर्सन है किसी काम को 21 डेज में पूरा करता है, 21 दिनों में कंप्लीट करता है। बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, जो बी वाला पर्सन है ए से 40% एफिशिएंट है, मतलब जल्दी काम करता है, अच्छा काम करता है, तेज काम करता है। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बी टू फिनिश द सेम वर्क अलोन, तो हमने ये फाइंड करना है कि बी कितने दिनों में अकेला काम करेगा जो ए काम कर रहा था 21 दिनों में। तो 37th क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये सेम ही करना, हमने पहले हमने ए की एफिशिएंसी 100 मान ली, तो बी की क्या होगी मेरे पास 140, अब ए काम करते हैं मेरे पास 21 दिनों में, तो बी कितने दिनों में काम करेगा, इसका फॉर्मूला क्या था, पहले ए की एफिशिएंसी डिवाइड बाय बी की मल्टीप्लाई, ए कितने दिनों में काम करता था मैंने वो लिख लिया, मैंने 0 से 0 काट दी, 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, 7 × 7 = 21, तो 5 × 3 कितना आ गया 15, तो ए काम 15 दिनों में करेगा, तो वही तो है, ए स्लो काम कर रहा है मतलब 21 दिनों में काम करेगा, बी 40% ज्यादा एफिशिएंट काम कर रहा है ए से, तो मेरे पास जो बी वाला पर्सन है वो कम डेज में काम पूरा करेगा उसको, तो मेरे पास 36 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कीजिए। 37th क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 36 था, ठीक है, ये 36 क्वेश्चन नंबर था, 37 आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ जी, कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, विमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल इन डूइंग द वर्क, हाउ मेनी डेज विल विमल डू दैट वर्क, तो वही क्वेश्चन है, कमल काम को पूरा करता है 15 दिनों में, विमल काम को 50% मोर एफिशिएंट से काम करता है, मतलब ज्यादा काम करता है, फास्ट काम करता है, काम करने को, इन हाउ मेनी डेज विल विमल डू दैट वर्क, तो विमल कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए इसका।
आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी इन 15 डेज। कि ए पर्सन है उस काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है एंड बी जो पर्सन है उस काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। दे वर्क टुगेदर 5 डेज। उन दोनों ने इकट्ठा काम 5 दिन किया। देन बी लेफ्ट, देन बी चला गया, लेफ्ट मार गया वहां से। The days taken by A to finish the remaining work, कि जो बचा हुआ काम था A ने अकेले किया, किया तो कितने दिन किया, हमने वो चीज find out करनी है। हाँ जी, तो कैसे करें क्वेश्चन को? 38 क्वेश्चन। हाँ जी, तो A can do 300 work in 12 days and B in 15 days। A काम को करता है 15 दिनों में, 12 दिनों में। बी वाला पर्सन काम तो करता है 15 दिनों में। पहले मैं ये निकालूं कि अगर वो पूरा कंप्लीट काम करेंगे तो वो कितने दिन में खत्म होगा। तो मैंने क्या किया, 15 गुना 12 डिवाइड बाय 15 प्लस 12। तो मैंने पहले क्या निकाल लिया कि वो दोनों मिलकर इकट्ठा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये निकालते हैं पहले। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 15 और 12 27 हो गया। 5 × 15 9 × 27, 4 × 12 3 × 9। तो मेरे पास क्या आ गया, अगर ए एंड बी इकट्ठा काम मिलकर करेंगे 5 × 20 / 3 दिनों में मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, तो बाद में They work together for 5 days. अब वो दोनों इकट्ठा काम 5 दिन इकट्ठा रहते हैं। तो 5 दिन, देखो अब अगर मैं इसकी बेसिक मेथड की बात करूँ, हम कैसे करते होते थे, 1/12 + 1/15, यही तो करते थे हम। पहले दोनों का एलसीएम ले लो, 15 × 12 15 + 12। बाद में हम इसका रेसिप्रोकल कर देते थे, तो मेरे पास यही टर्म दोबारा से बनकर आ जाती थी, अब मेरे पास गिवन है कि वो दोनों मिलकर काम 20/3 डेज में कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि उन दोनों ने इकट्ठा काम 5 दिन किया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20/3 इकट्ठा काम कर रहे हैं वो 5 दिनों में। मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, 20/15। अब उन दोनों ने इकट्ठा काम मिलकर 20/15 दिनों में किया, तो बाद में बी चला गया। तो पेंडिंग वर्क बचा कितना, हम 1 से माइनस करते हैं। तो मेरे पास पेंडिंग वर्क बच गया 20/5 मेरे पास पेंडिंग वर्क बच गया। तो पूछता है द डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क, तो वर्क को ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या करेगा, ए पर्सन था 12, तो मैंने सॉरी ये आपको ये आएगा कि ए पर्सन अकेला, इन दोनों ने मिलकर तो काम किया इतना, अब बी चला गया तो ए पर्सन अकेला रिमेनिंग वर्क बच गया। ये बच गया मेरे पास रिमेनिंग वर्क, मतलब बचा हुआ काम ए करेगा। तो ए काम करता था कंप्लीट काम 12 दिनों में, तो ये काम कितने में करेगा, 5 × 5 5 × 20, सॉरी ए काम कितनी देर में कंप्लीट करेगा, 12, क्योंकि हमने क्या किया था 1/5 किया था ना, डेज को नीचे लिखते हैं हम। तो सिमिलरली ए के काम को मैंने नीचे लिख दिया 12, हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 5 5 × 20 4 × 4 4 × 12।
तो मेरे पास इसका हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो मेरे पास ए वाला पर्सन जो काम है कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो मेरे पास आ गया कि वो 3 दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा। आई होप आपको समझ लगी होगी कि क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, इसको सोल्व कैसे करना है हम आगे देखते हैं। 39th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्टेटमेंट क्या है इसकी। अच्छा एक और बात, अगर आपने बेसिक मेथड अप्लाई करना है ना तो वो भी कर सकते हो, चाहे ऐसे मत करो, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन का क्रिएट होता है, तो उस कंफ्यूजन को क्रिएट मत होने के लिए हम बेसिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन, ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days एंड 18 days रिस्पेक्टिवली, दे वर्क टुगेदर However, 3 days before the completion of the work, तो वो क्या बोलता है? उन दोनों ने इकट्ठा काम किया। However, 3 days before, मतलब काम को complete होने से पहले, A 3 दिन पहले चला गया, A left. In how many days was the work completed? तो हमने बोलना है कि work कितनी देर पहले complete होगा? हाँ जी। तो क्या कहता है वो? 39th question है ये। क्या कहता है वो कि ए काम को करता है 9 दिनों में, बी वाला पर्सन काम को करता है 18 दिनों में, दोनों इकट्ठा काम करते हैं टुगेदर। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, ए वाला पर्सन 3 दिन पहले छोड़कर चला गया काम को कंप्लीट होने से पहले, तो मैंने मान लिया एक्स डेज में काम कंप्लीट होगा, तो मैंने मान लिया कि टोटल एक्स डेज लगेंगे उन दोनों को काम को कंप्लीट करने में। हाँ जी, 3 दिन पहले छोड़ गया तो मैंने -3 कर दिया, कितने डेज लगाए ए वाले पर्सन ने? 9 दिन लगाए, ए वाले पर्सन ने 9 दिन लगाए, प्लस बी वाला पर्सन काम पूरा होता है एक्स दिनों में, तो बी वाला पर्सन ने कॉन्टिन्यूस काम किया, तो हम यहाँ पर एक्स ही लिखेंगे, डिवाइड बाई कितने दिन उसने काम किया, 18 डेज काम करने को लगाता है वो, तो काम पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा, हम इक्वल टू 1 लिख दें, क्योंकि काम कंप्लीट हो रहा है तो ए और बी ने मिलकर काम को कंप्लीट किया, तो मेरे पास क्या आ गया 1। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, हम एलसीएम आ गया मेरे पास 18, एलसीएम 18 आ गया। अब यहां पर क्या आएगा, 2 × x − 3 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 18, अब 18 डिवाइड में है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा बन गया कुछ, अब 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 2x प्लस x कितना हो गया 3x, ये -6 है उधर जाके +6, ये कितना हो गया मेरे पास 24, 3x बराबर 24 है तो x कितना होगा मेरे पास 8, x कितना होगा मेरे पास 8, मतलब अगर a और b मिलकर काम कर ले तो वो 8 दिनों में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे पास 39 का ऑप्शन नंबर b इज द राइट आंसर कि वो काम 8 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी इन 12 डेज, दे बिगिन वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन, मतलब सेम है कि जो बी काम करता था वो 3 दिन पहले छोड़ गया काम को कंप्लीट होने से, इन हाउ मेनी डेज इन ऑल वाज The work completed. तो हमने find करना है वो work जो होगा complete कितने दिनों में होगा, तो वो हमने find out करना है। हाँ जी। 40th question same करना है इसी तरह से। हाँ जी। 40th question क्या कहता है वो कि A वाला person काम को करता है 18 दिनों में, बी वाला पर्सन काम को करता है 12 दिनों में, वो दोनों इकट्ठा काम करते हैं मतलब टुगेदर काम करते हैं,
बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन. तो मैंने मान लिया एक्स डेज में काम पूरा होता है मेरा, 3 दिन पहले बी चला गया, कितने दिन उसने काम करता है कंप्लीट, 12 दिनों में, प्लस ए वाला पर्सन तो कंप्लीट ही काम करता है क्योंकि वो लीव नहीं करा, अपॉन 18 आ जाएगा डिवाइड बाय सॉरी इक्वल टू 1, क्यों 1 आ जाएगा कोई, क्योंकि काम जो है कंप्लीट हो रहा है. इन दोनों का एलसीएम 36 आ गया, तो यहां पर बचा क्या 2x प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 1. मैंने जस्ट एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया. अब 36 यहां डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू एक्स प्लस 3 यहां से भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी. अब 3 और 2 कितने हो गए मेरे पास 5, इक्वल टू ये माइनस 9 है, उधर जाके प्लस 9, तो मेरे पास बना गया 5x इक्वल टू 47. मेरे पास x कितना आ गया 9, मतलब जो a अकेला काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा था, बी अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा कर रहा था, तो अगर वो कंबाइन कर रहे हैं, चाहे बी लीव कर गया है, तो वो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो मेरे पास 9 days में काम वो जो है कंप्लीट हो जाएगा. तो मेरे पास 40th का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 9 days. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर